आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है। खुद रणबीर कपूर भी जगह जगह इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए पहुंच रहे हैं। रश्मिका मंदाना और साथ ही साथ रणबीर कपूर की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन चर्चा बॉबी देओल के लुक को लेकर भी बहुत ज्यादा है। बॉबी देओल जिन्हें अपनी कह सकते हैं कि यंग एज में हमने बिल्कुल अलग तरीके से देखा, कर्ली हेयर थे और जिस तरीके का उनका मुस्कुराता हुआ डिम्पल वाला फेस था वो एक अलग इमेज थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी है सोशल मीडिया पर लोग बड़ा कमेंट भी करते हैं, ऐसी चर्चा भी करते हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा हॉट वो लगते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम वो लगते जा रहे हैं। और एनिमल में जिस तरीके का लुक उन्होंने कैरी किया है वो वाकई रणबीर कपूर को इस उम्र में टक्कर दे रहा है, यानी कि दोनों की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन बॉबी देओल का जो लुक है वो बहुत किलिंग लग रहा है और फैंस उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में क्या सीन होते हैं, कैसे फाइट होती है वो हमने ट्रेलर में थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन उसे पूरी पिक्चर देखने के लिए यानी कि पूरी फिल्म को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन दोनों के बीच की बॉन्डिंग रियल लाइफ में कैसी है, दोनों एक दूसरे को कैसे पसंद करते हैं वो इंटरव्यूज़ के दौरान बहुत हद तक मालूम हो जाता है, अगर किसी को कोई पसंद करता है या फिर किसी को कोई नापसंद करता है। रणबीर कपूर ऐसे तो पेपराजी या फिर मीडियाकर्मी जब उनसे सवाल करते हैं या जब उन्हें कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं वो बिना कुछ कहे यूँ निकल जाते हैं, कई बार स्माइल करते हैं, कई बार थम्सअप करने का इशारा करते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन अब चूंकि बारी फिल्म प्रमोशन की थी तो रणबीर कपूर खुलकर सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, कभी डांस भी करते हैं और उनका ये अंदाज फैंस को खूब भाएगा ऐसी उम्मीद वो कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी फिल्म एनिमल बड़े पर्दों पर रिलीज होने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं पर जब उनसे सवाल पूछा गया, चूँकि दोनों के बीच की बॉन्डिंग की बात थी, दोनों के बारे में एक दूसरे से सवाल हो रहे थे, तभी उनसे पूछा गया, रणबीर कपूर से सवाल पूछा गया कि भाई बॉबी देओल जिस वक्त शार ले रहे होते हैं उस वक्त वो कौन सा गाना गाते होंगे, कौन सा गाना गुनगुनाते होंगे। रणबीर कपूर पहले तो ये हैरान हो जाते हैं कि भाई शावर वो लेते हैं तो उनके गाने इनसे क्यों पूछे जा रहे हैं। तो रणबीर कपूर थोड़ा सा इस सवाल को चेंज करते हैं जो उनकी हाजिर जवाबी का ही तरीका है, और वो इस बात का जवाब इस अंदाज में देते हैं कि भाई इनका तो पता नहीं लेकिन मैं ये गाना गाता हूँ और मेरे स्टेप ये होते हैं। उनका जो अंदाज है ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ये चंक जब मैंने देखा तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि रणबीर का ये पार्ट भी लोगों तक पहुंचना चाहिए कि वो इस हाजिर जवाबी के साथ अंदाज में जवाब भी देते हैं और बाकायदा उन्होंने गाना गाने के साथ स्टेप करके दिखाया। जानते हैं गाना कौन सा था? ये बॉबी देओल की पुरानी फिल्म जान का गाना था और जिसमें ट्विंकल खन्ना उनके साथ में थी, और उसी गाने का स्टेप करते हुए गाते हुए रणबीर कपूर ने इस बात का जवाब दिया। ये जो छोटी सी क्लिप है जो मैंने देखी है ये पहले आप भी देख लीजिए। रणबीर कपूर का ये जो जवाब देने का अंदाज़ था या फिर अपनी चेयर से उठकर स्टेप करके बताना और फिर बैठ जाना, ये जो जवाब है ये देखा जा रहा है कि बॉबी देओल और रणबीर कपूर के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छी बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन हम देख सकते हैं, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो दोनों की फाइट हो रही है, दोनों एक दूसरे को मारते हुए दिख रहे हैं, पीटते हुए दिख रहे हैं और एक दूसरे की जान लेने पर आमादा दिख रहे हैं। ये तो बड़े पर्दे की बात हुई, ये तो रियल स्टोरी की बात हुई, लेकिन रियल स्टोरी ऐसी लग रही है कि दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है और इसीलिए प्रमोशन के लिए भी जहां जहां पहुंच रहे हैं दोनों को साथ में देखा जा रहा है। तो ये जोड़ी आपको कैसी लगी, फिल्म का इंतजार आपको कितना है और इस फिल्म को देखने की आपकी अपनी तैयारी क्या है बताइएगा।